कहते हैं जब सब्र की इंतहा बढ़ जाती है तो उस कौम का सरबरा और कोई हो जाता है। आप लोग तो बाखबर तो हो ही कि फिलिस्तीन का क्या हाल किया है इसराइल ने, लेकिन आज मेरा वो बताने का मतलब नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो एक सरबरा जंग के मैदान में कूद चुका है। जी हाँ, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, ईरान की। ये एक वाहिद कंट्री है जिसने वार 3 का ऐलान कर दिया है इजराइल के साथ। ईरान ने अभी हाल ही में अक्टूबर के पहले हफ्ते में 180 से ज्यादा ब्लास्टिंग मिसाइल के साथ इजराइल पर अटैक किया है और ये पैगाम दे दिया है कि अब तैयार हो जाओ। ये सब बताने से पहले मैं आपको ईरान और इजराइल के आपसी मेलजोल के बारे में बताता हूँ कि आखिर ईरान और इजराइल एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन गए। तो आइए चलते हैं थोड़ा बैक और ईरान इजराइल के फ्लैशबैक हिस्ट्री को समझते हैं। ईरान और इजराइल की दुश्मनी शुरू से नहीं थी, 1989 के ईरान रिवोल्यूशन के बाद से शुरू हुई थी। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी सत्ता में आए थे। इसके बाद ईरान ने इजराइल को अपनी जानी दुश्मन मुकर्रर कर दिया। इजराइल उस समय मेनाहेम बेगिन के नेतृत्व में था। इसे दोनों देशों के बीच दुश्मनी का दौर शुरू हुआ और आज अभी जारी है। इजराइल और ईरान के बीच का रिश्ता सालों से मानो एक ट्रैकिंग टाइम बम था और अब ऐसा लग रहा है कि वो बम फूट चुका है। भाई, 1 अक्टूबर की वो तारीख जब ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा ब्लास्टिंग मिसाइलें दाग दी, एक ऐसा पल था जो दुनिया को हिला कर रख दिया। ऐसा लग रहा था मानो वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत अब हो ही चुकी है। और अब ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर इजराइल रियलिस्टिक करता है तो इसका जवाब और भी बड़ा धमाका के साथ होगा। अब तो भाई इजराइल की पूरी तरह से तक चुकी है। अब जरा गौर करने की बात ये है, अगर ये लड़ाई शुरू हो गई तो इसका अंजाम क्या होगा। अमेरिका भी अब इस खेल में कूद चुका है। राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान के इस हमले की खबर की निंदा की है और इजराइल का साथ देने की बात कही है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, इजराइल ने ईरान के क्यूलर फैकल्टीज पर हमला किया तो अमेरिका खुद को भी इस मामले से दूर रखेगा। मतलब भाई, ये जंग जितनी इजराइल और ईरान की है उतनी ही उसमें बाकियों का भी हिस्सा होगा। अब सवाल उठता है कि ये दुश्मनी इतनी कड़वी कैसे हो गई। 1948 से ईरान और इजराइल के रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं। जब इजराइल ने अपनी आज़ादी की घोषणा की उस वक्त ईरान एक प्रो वेस्टर्न देश था, लेकिन 1989 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया और फिर ईरान ने इजराइल को एक गैर कानूनी राज मान लिया। अब इजराइल की बात करें तो इसका चाल चलन कभी आसान नहीं रहा। हमेशा से ये देश चारों ओर दुश्मनों से घिरा हुआ है। ईरान के प्रॉक्सी वार जैसे कि हामस और हजीबुल्ला ने हमेशा इजराइल को परेशान किया। ईरान ने फलस्तीन के लिए लड़ने वाले गुटों को खूब फंड और सपोर्ट दिया ताकि इजराइल कमजोर हो सके। दोस्तों, आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है क्योंकि ये पहले बार हुआ है जब दोनों देश ने सीधे ओपन वॉरफेयर शुरू कर दिया है। इससे पहले ये जंग प्रॉक्सीज के जरिए लड़ी जाती थी। अब सोचिए, अगर ये लड़ाई मिडिल ईस्ट की सियासत को पूरी तरह से हिला कर रख देगी तो ग्लोबल इकोनॉमिक यानी तेल की कीमत और शायद हमारी अपनी खुद की जिंदगी पर भी इसका असर होगा। अगर ये लड़ाई न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई तो क्या होगा। दुनिया के बड़े देश संयम पर भी इसकी अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। क्या हम उस दुनिया के लिए तैयार हैं जहां तेल की कीमत आसमान छू जाएगी और रोजगार का हाल और बुरा हो जाएगा। इजराइल ने भी वार्निंग दे दी है कि ईरान के ब्लास्टिक मिसाइल का जवाब देने के लिए देरी नहीं करेगा। ईरान भी धमकी दे रहा है कि उसके पास और भी खतरनाक हथियार हैं। अभी तक सिविलाइजेशन एरिया को टारगेट नहीं किया गया है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। सस्पेंस यही है कि इजराइल ने कभी किसी को मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर पावर बनने नहीं दिया। 1981 में इजराइल ने इराक को औषधिक न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह कर दिया था और उसी पॉलिसी के तहत ईरान को भी नहीं छोड़ने वाला। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए हमेशा से एक खतरा रहा है। अब आगे क्या होगा ये कहानी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि ये लड़ाई पूरी दुनिया की नींव हिला सकती है। मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत बदलने वाली है। इस जंग के हर मोड़ पर हम आपको सबसे तगड़े अपडेट देते रहेंगे। क्या आप मानते हैं कि ये लड़ाई वर्ल्ड वार 3 का ट्रिगर बन सकती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।